मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के मतदान के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस का विशेष फोकस रिजल्ट पर हो गया है। दोनों ही दलों द्वारा मतगणना के लिए विशेष प्लानिंग बनाई जा रही है, जिसके लिए बीजेपी ने जहां बीते मंगलवार की शाम को बीजेपी मुख्यालय पर बैठक आयोजित की, तो वहीं अब कांग्रेस भी 26 नवंबर को अपने सभी 230 प्रत्याशियों को राजधानी भोपाल बुला रही है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश दोनों ही दल रिजल्ट वाले दिन के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं, इसी पर फोकस करते हुए ट्रेनिंग दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक मतों की गणना को लेकर बीजेपी ने मंगलवार की शाम को बीजेपी मुख्यालय भोपाल में विशेष बैठक आयोजित की। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और चुनाव अभियान प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। सभी नेताओं ने मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की, तो वहीं अब कांग्रेस भी ऐसी ही पाठशाला लगाने की तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस ने भी अपने सभी 230 प्रत्याशियों को 26 नवंबर को राजधानी भोपाल बुलाया है। बताया जा रहा है कि 26 नवंबर को सभी 230 कांग्रेस प्रत्याशियों की विशेष ट्रेनिंग पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर आयोजित हो सकती है। इसमें उन्हें 3 दिसंबर को मतगणना के दौरान ईवीएम से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी को किस तरह से रोका जाए इस बारे में बताया जाएगा। साथ ही किस तरह काउंटिंग पर नजर के साथ मतगणना केंद्रों पर क्या सावधानी रखी जाए। कांग्रेस इस चुनाव में किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं करना चाहती है, यही कारण है कि सभी प्रत्याशियों को राजनीति आने का फोन जा चुका है। कांग्रेस अपने सभी 230 उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स को ट्रेनिंग देगी। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 26 तारीख को ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। इसके लिए उन्हें भोपाल बुलाया गया है। इस ट्रेनिंग कैंप में सभी प्रत्याशियों और काउंटिंग एजेंट्स को मतगणना से संबंधित जानकारी और ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें पोस्टल बैलेट वोट को लेकर भी बताया जाएगा कि किस तरह से इनकी गिनती पर नजर बनाई रखनी है। जानकारों की माने तो काउंटिंग वाले दिन कांग्रेस किसी चूक के मूड में नहीं है। इसके लिए कांग्रेस ईवीएम के हर राउंड का प्रमाण पत्र लेने का निर्णय है। ईवीएम की गणना कई राउंड में होती है, इसके लिए प्रत्याशी और एजेंट्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी।